हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय हिंदी लेके आए हैं, जिस जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए। इसमें आओ करें और सीखें संबंधित अभ्यास कार्य कराएंगे। यह जो आपकी दक्षता उन्नयन की पुस्तक है, ये सत्र 2022-23 के लिए है और किसके द्वारा बनाई गई है? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। और इसमें जो आपको अभ्यास कार्य करा रहे हैं, ये तरुण समूह से संबंधित अभ्यास कार्य हैं। अब देखिए, इसमें जो आपकी सच्ची सीख है ना, 29 नंबर सच्ची सीख देखेंगे। गतिविधि का नाम है सच्ची सीख, गतिविधि अभ्यास। देखिए, यहाँ पे एक सच्ची सीख पे एक कहानी है, इस कहानी के बारे में हम आपको बताएंगे, एक संक्षिप्त कहानी बताया। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, दीनू 8 वर्ष का बालक था, देखने में दुबला पतला साधारण पर बड़ा बुद्धिमान होनार तथा सद्गुणी था। एक बार वह साग भाजी खरीदने बाजार गया। देखिए क्या था, इसमें दीनू 8 वर्ष का एक बालक था, देखने में कैसा था, दुबला पतला साधारण पर बुद्धिमान होनार था तथा सद्गुणी था। एक बार वह साग भाजी खरीदने यानी सब्जी खरीदने बाजार गया। उसने एक बूढ़ी औरत से सब्जी खरीदी, उसके पैसों में एक खोटा सिक्का भी था। उसके पैसों में एक खोटा सिक्का था कि नकली सिक्का था। भूल से वह सिक्का उस बूढ़ी के पास चला गया। देखिए क्या, दीनू नाम का एक लड़का, बुद्धिमान लड़का था, वह एक दिन सब्जियां खरीदने कहाँ गया, बाजार गया। उसने एक बूढ़ी औरत से सब्जी खरीदी, उसके पैसों में एक खोटा सिक्का यानी कि नकली सिक्का था। भूल से वह सिक्का उस बूढ़ी के पास चला गया। बूढ़ी कौन थी, सब्जी बेचने वाली, उसके पास चले गया। कौन सा सिक्का, खोटा सिक्का यानी कि नकली सिक्का। घर आने पर बालक को इसकी जानकारी हुई, उसने मन में सोचा यह नहीं हुआ, उसे बड़ा दुख हुआ। उसने मन में सोचा कि यह गलत हुआ और उसको बड़ा दुख हुआ। वह साग का थैला घर छोड़ तुरंत दौड़ा उसी बूढ़ी औरत की दुकान पर गया। उसने कहा, दादी माँ, मुझसे भूल हो गई, क्षमा करें। बूढ़ी बोली, क्या बोली, सच क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, तनिक बता दो, तू दौड़ कर आया है, तेरी सांस कितनी जोर से चल रही है। दीनू ने कहा, मेरा खोटा सिक्का भूल से आपके पास आ गया। किसने कहा, दीनू ने कहा कि मेरा खोटा सिक्का भूल से आपके पास आ गया, उसे बदल लो। बूढ़ी ने पहले तो मना किया, फिर अपनी पैसों की टोकरी सामने रखकर कहा, ले बेटा, तू ही खोज कर अपना बदल ले। उसने बूढ़ी ने उसको टोकरी, पैसों की टोकरी कहा और दिखाया और उसमें कहा कि जो खोटा सिक्का है तू ही बदल ले। दीनू ने खोटा सिक्का निकाल कर अच्छा सिक्का डाल दिया। बुढ़िया ने बालक की ईमानदारी देखकर उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। यही बालक बड़ा बनकर पंडित दीनदयाल बना। तो देखिए यहाँ पे कुछ सीख है, मौखिक प्रश्न है, दीनू में कौन कौन से गुण थे आप, तो दीनू में कौन से, बुद्धिमान होनार और दुबला पतला, ये इसके क्या थे गुण थे। दीनू से कौन सी भूल हुई, दीनू से जो खोटा सिक्का था वो सब्जी वाली को चले गया था। अपनी भूल का एहसास होने पर दीनू ने क्या किया, अपनी भूल का एहसास होने पर दीनू पुनः फिर वह सब्जी वाली के पास गया और उस खोटे सिक्के को बदल दिया। खोटा सिक्का निकाल कर अच्छा सिक्का डाल दिया। दीनू के इस कार्य से उसके किस गुण का पता चलता है, तो दीनू के इस कार्य से उसके ईमानदारी के गुण का पता चलता है। आप दीनू की जगह होते तो क्या करते, यदि हम दीनू की जगह होते तो वही कार्य करते जो दीनू ने किया। इस प्रकार से जो आपका अच्छी सीख से संबंधित कहानी थी यहाँ समाप्त हुई, उससे संबंधित अब अभ्यास करेंगे। चित्र देखें और क्रिया लिखें। ये चित्रों को देखना है आपको और क्या लिखना है, क्रिया लिखना है। तो ये चित्र दिख रहा है, तो इस चित्र में क्या हो रहा है, बालक
है। बालक पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया पढ़ने की। ये लड़की क्या कर रही है, तरबूज खाती है, तो यहाँ खाने की। ये लड़की फुटबॉल खेल रही है, तो यहाँ पे खेलने की। और ये झूला झूल रही, तो यहाँ पे झूला झूलने की क्रिया हो रही है। तो इससे संबंधित वाक्य लिखना था, तो हमने नीचे लिखे। जैसे क्या लिखना था, लड़की झूला झूलती है, लड़की फुटबॉल खेलती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़की तरबूज खाती है। तो यहाँ पे खेलती, पढ़ता, खाती, झूलती, ये क्या हो गई, क्रिया शब्द हो गया। और इन क्रिया शब्दों को हमने यहाँ पे लिख के बता दिए। उसके नीचे ये लाइन खींच दिए हैं, रेखांकित करती हैं कि कौन सी क्रियाएं खेलती, पढ़ता, खाती, झूलती, ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। चलिए आगे, अगला अभ्यास क्या दिया है, 275 नंबर का। दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाएं। नंबर एक, जो वाक्य यहाँ पे आपका सही है उस पर सही का निशान, जो वाक्य गलत है उस पर गलत का निशान लगाना है। पहला वाक्य क्या दिया है, देखिए, हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, हमें हम अपनों से, अपने से बड़े जो व्यक्ति हैं या शिक्षक हैं या मम्मी पापा दादा दादी, इनकी बात माननी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। हमें परिश्रम करना चाहिए, ये भी सही आएगा, क्योंकि हम परिश्रम करेंगे तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। फिर तीसरा, हमें आलस से करना चाहिए, बिल्कुल गलत, हमें आलस नहीं करना चाहिए। चौथा नंबर देखिए, हमें अपने देश का आदर करना चाहिए, बिल्कुल सही है, इस पर सही का निशान लगा देंगे। नंबर पाँच, हमें बुरी संगत वालों से दूर रहना चाहिए, बिल्कुल सही, हमें बुरी संगत वालों से कैसे रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। फिर छठवां नंबर देखिए, हमें दोस्तों की मदद नहीं करनी चाहिए, गलत, हमें अपने दोस्तों की मदद करना चाहिए। अगला अभ्यास देखते हैं, अभ्यास 276। दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करके अपनी कॉपी में लिखें। जैसे नींद शब्द है, तो इसका वाक्यों में हमको प्रयोग करना है, तो हम लिख सकते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए नींद अति आवश्यक है। बाग, बाग का वाक्य बनाएंगे, हमारे खेतों में आम का बाग है। परिश्रम, किसान खेतों में अत्यधिक परिश्रम करता है। और आज़ादी शब्द का वाक्य बनेगा, पंछी आज़ादी से आसमान में उड़ते हैं। पंछी या पक्षी लिख सकते हैं यहाँ पे आप, पक्षी आसमान में आज़ादी से उड़ते हैं, या पक्षी आज़ादी से आसमान पे उड़ते हैं। इसके बाद अगला अभ्यास है 277। दिए गए शीर्षक के पांच, शीर्षक के अंतर्गत पांच पांच नाम लिखें। व्यक्ति, व्यक्ति के पांच नाम लिख दीजिए यहाँ पे, जो आपको जिन भी व्यक्तियों के नाम मालूम है वह पाँच नाम लिख दीजिए। हम जैसे यहाँ लिखे नयन, मोहन, आरव, सोहन, कुणाल लिखे हैं, ये व्यक्तियों के नाम हो गए। वस्तुओं के नाम लिख देंगे, पलंग, टीवी, टेबल, अलमारी, दरवाज़ा, आपको जो वस्तुओं के नाम लिखना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और शहरों के नाम लिख देंगे, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, दिल्ली, उज्जैन, गोवा, आपका क्या कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप, बैतूल, सिवनी, बालाघाट, ये जितने भी हैं स्थान, इनके नाम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका ये अभ्यास समाप्त हुआ। इस प्रकार आपके अभ्यास 277, 76 और 75, यहाँ पे 74 अभ्यास समाप्त होते हैं। यदि अभ्यास आपके समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देख क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।